साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाय उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS में बिजनेस स्टडी यानी माशी सरगर्मी का असाइनमेंट। ये आपको बना बनाया मिल रहा है, बहुत मेहनत से बना हुआ है, तो आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे बना नहीं पाते, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर भी इसी। पहला सवाल है, माशी सरगर्मियों से आप क्या समझते हैं? माशी सरगर्मियों की दो मिसाल दीजिए। माशी सरगर्मी का मतलब है वो सरगर्मी जिसका मकसद पैसा कमाना हो, माशी सरगर्मी की मिसाल है। जैसे एक सब्ज़ी बेचने वाला आपको जब ही सब्ज़ी देगा जब आप उसको पैसे देंगे। इसी तरह अगर आप ऑटो से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको ऑटो वाला जब ही लेकर जाएगा जब आप उसको किराया देंगे। ठीक है, तो ये माशी सरगर्मी का है। इसके बाद अगला सवाल है, दूसरा इसका, तन्हा मलकियत के कारोबार से बेहतर। तो मैं कह रहा था कि तन्हा मलकियत के कारोबार से बेहतर कंट्रोल की सहूलतें कैसे फराहम होती है, बयान कीजिए। जवाब है इसका, तन्हा मलकियत के कारोबार में बेहतर कंट्रोल होता है। इसकी दर्ज झेल वजूहात हैं। पहली है तन्हा मालिक। इस कारोबार का मालिक एक वाहिद शख्स होता है, उसके लिए उसका कारोबार पर पूरा इख्तियार होता है। दूसरा, कारोबार को अपनी मर्जी से हैंडल करना। इसमें कारोबार का माल तन्हा होने से कारोबार के मालिक का कारोबार को अपनी मर्जी से जैसे चाहे हैंडल कर सकता है, जब चाहे खोलना और बंद करने का, उसे अपने हिसाब से डील करना वगैरह। तो ये दूसरा इसका सवाल था। तीसरा है कि कारोबार में जोखिम और आमदनी के गैर यकीनी कैफियत शामिल है, बयान कीजिए। इसका जवाब आप लिखेंगे, कारोबार जोखिम और आमदनी में गैर यकीनी कैफियत शामिल होती है। इसकी वजह यह है कि कारोबार में हमेशा खतरा रहता है। जैसे कि एक आदमी ने बर्फ़ बेचने का कारोबार शुरू किया लेकिन लगातार एक हफ्ते तक बारिश होती रही, तो उस वजह से जो पैसे लगाए वो नुकसान को नज़र चढ़ जाएंगे। दुकान का किराया उसको अपनी जेब से देना होगा और आमदनी भी उसकी बहुत कम होगी। जैसे अगर किसी दिन गर्मी बहुत तेज़ रही तो कारोबार अच्छा रहेगा, और बारिश या मौसम ठंडा रहा तो आइसक्रीम या बर्फ़ कम बिकेगी और आमदनी कम होगी। और इसके बाद जो है चौथा है कि बंद हुआ गोदाम और ऑपरेटिंग गोदाम में फ़र्क वाजे कीजिए। बंद हुआ गोदाम वो गोदाम है जहाँ पर कस्टम ड्यूटी अदा करने से पहले सामान रखा जाता है। कोऑपरेटिव गोदाम वो गोदाम है जो एक प्रॉपर्टी एक सोसाइटी के ज़रिए चलाया जाता है। बंदवा गोदाम एयरपोर्ट पर बने होते हैं। यहाँ पर सामान जब तक रखा जाता है जब तक के सारा पेपर वर्क पूरा नहीं हो जाता। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर अपने सामान रखते हैं, साथ ही दीगर लोग भी किराया देकर अपना सामान रख सकते हैं। पांचवा जो होगा आपका, इसमें सभी तरह की मलकियत के कुछ हदूद हैं और तन्हा मलकियत कोई इश्तना तन्हा मलकियत की मुख्तलिफ हदूद का जिक्र कीजिए। तन्हा मलकियत कारोबार की हदूद। तन्हा मलकियत कारोबार जब तक ही जीता चलता है जब तक कि उसका मालिक ज़िंदा रहता है, उसके बाद कारोबार या तो बंद हो जाता है या उसकी जगह पर दूसरा शख्स आ जाता है, कारोबार का करता रहे उससे कट जाता है। अब अगला है कि तन्हा मलकियत कारोबार में एक शख्स पर ही सारा बोझ रहता है, कारोबार के तमाम काम वाहिद शख्स को करने पड़ते हैं जिससे उस शख्स पर बहुत बोझ हो जाता है। तन्हा मलकियत कारोबार को बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं किया जा सकता क्योंकि कारोबार को फैलाने के लिए पार्टनर की ज़रूरत होती है, लेकिन तन्हा मलकियत होने की वजह से कारोबार के फैलाव को ज़्यादा मुमकिन नहीं है। ज़्यादा पैसा नहीं होता है इसलिए कारोबार को बढ़ाया भी नहीं जा सकता क्योंकि सारा पैसा एक ही शख्स को लगाना होता है। सवाल नंबर 6 है, आपका दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ एक मुअत्तर तहसील कायम करने में दुश्वारी का सामना करता है, उसे समझाने के मुअत्तर तहसील की क्या रुकावटें हो सकती हैं, साथ ही इस तरह कारोबारी रुकावटों हल करने के लिए आपकी रहनुमाई कीजिए। गलत मैसेज। कभी कभी मैसेज भेजने वाला कुछ बात समझा रहा होता है या कुछ उसका मतलब कुछ और होता है लेकिन मैसेज को हासिल करने वाला उसको समझ नहीं पाता, इसलिए ज़रूरी है कि मैसेज भेजने वाला
को चाहिए कि वे सही अल्फाज का इस्तेमाल करें, को चाहिए कि वे सही अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे कि सही 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 मैसेज जाए। यकीन की कमाई के कारोबार दोनों एक दूसरे पर यकीन नहीं करते, जैसा कि एक गलत मैसेज जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि मैसेज या मास्टर तरसील के दोनों को एक दूसरे पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। गलत अंदाज़ा, मुअत्तर तरसील में सबसे बड़ी रुकावट है कि मैसेज हाजिर करने वाला मैसेज भेजने वाले की बात को गलत अंदाज़ा लगा लेता है, ये भी एक बड़ी रुकावट है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने हिसाब से किसी भी मैसेज का अंदाज़ा पहले से ना लगाया जाए, बल्कि उसको पहले अच्छे से समझा जाए और फिर मैसेज भेजने वाले से भी समझ लिया जाए अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही। बदलाव, कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपने ही फ़ायदे की बात सुनना चाहते हैं, ये बाकी बातों को वो सुनना ही नहीं चाहते, इसके सबब भी एक मौसर तरसील मौसर रहती है, इसीलिए हमको अपनी आदत में बदलाव लाना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए वे वीडियोज़ बनाई जा रही हैं ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो लाइट भी गई हुई है, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाए। शुक्रिया।